नमस्कार, द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सेकेंड एडिशन ऑफ CSR कॉन्क्लेव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित हुए कई गणमान्य व्यक्तिगण, आइए देखें विशेष रिपोर्ट हमारा मीडिया। आज जो ये CSR का कॉन्क्लेव हो रहा है, इसका अभी क्या विचार धारा है? ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है बंगाल चैम्बर का, एंड ये इनिशिएटिव ऐसा है कि साहब, इट्स ए काइंड ऑफ ए मैच मेकिंग। ये जो कॉर्पोरेट हैं और जो NGO हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। NGO नीड्स कॉर्पोरेट का सपोर्ट, एंड कॉर्पोरेट ऑल्सो नीड कुछ NGO हों जो उनका CSR का काम कर दें। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है एंड इट विल ग्रो। आप क्या योगदान देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इन्वॉल्व हूँ इनके साथ, जो भी मेरे से हो बन पड़ेगा मैं करता हूँ, चेष्टा करूँगा करने की। तो वर्तमान में आप क्या क्या करना चाहेंगे? नहीं, वर्तमान में हम लोग भी NGO को सपोर्ट करते हैं, जो भी NGO हम लोगों को ठीक लगता है वी सपोर्ट देम। हम लोग एक ओल्ड एज होम बनाए हैं जोका में, वो 72 रूम्स का है, वो दैट्स ऑल्सो ए CSR इनिशिएटिव फ्रॉम इन्फिनिटी ग्रुप। और डे टू डे लाइफ में आप कितना सोचते हैं कि NGO सेवा जो है गवर्नमेंट के तहत ज़्यादा अच्छा काम करती है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम करती है, बट NGO भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये दोनों मिल के काम करें तो और बढ़िया हो सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड दे नीड ईच अदर। मेरा नाम रविंद्र चमरिया, इन्फिनिटी। आज जो ये BCCI का जो CSR कॉन्क्लेव हो रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, CSR कॉन्क्लेव काफ़ी सब्जेक्ट्स पे हो रहा है। आप देख लोगे आज यहाँ काफ़ी बिजनेस में लाए हैं हम लोग, बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट के अलावा आज सबसे जो सुधारिया टॉपिक यहाँ पे है वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। शायद अभी आपको पता होगा, या फिर अगर नहीं भी है तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार, हमारी जो भारत सरकार है, वो कहती है कि आज अगर आपके पास कोई NGO है तो उस NGO को भी आप स्टॉक एक्सचेंज NGOs के लिए बनाया गया है। हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। BCCI के तहत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया गया है। बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और बखूबी बात यह है कि आज यहाँ पे काफ़ी NGOs भी आ रहे हैं। बिजनेस सत्र के अलावा जो सराहनीय बात है वो है कि आज एक सेशन यहाँ पे मूल्यांकन किया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर। भारत सरकार ने सितंबर 2022 में एक बहुत बड़ा प्रावधान वो लेकर आए थे, जो कि कार्यान्वित हुआ 1 अप्रैल 2023 से, जहां पर एक NGO, हाँ आप सही सुन रहे हैं, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकता है। और आप सोचेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में एक NGO का क्या काम है? स्टॉक एक्सचेंज में एक NGO लिस्ट होकर पैसे रेस कर सकता है मार्केट से। हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा और अचरज लग रहा होगा, पर ये सही है कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से इसको कार्यान्वित ऑलरेडी कर दिया है। इस पे आज हमारी काफ़ी लंबी चर्चा होगी, और हमारे साथ रविंद्र चामड़िया जी भी हैं, जो कि अक्षय पात्र के एक बहुत ही अहम हिस्सेदार हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक्साइड है, इन्फिनिटी ग्रुप है, और बहुत सारी ऐसी बड़ी कॉर्पोरेट्स जुड़ी हैं जो इस कॉन्सेप्ट को जानती हैं और समझना और बखूबी चाहती हैं, जिससे कि CSR का जो फंड है, जो कॉर्पोरेट CSR का फंड है, जिसे आज 25,000 करोड़ से ऊपर कहा जाता है, क्या वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए प्रॉपर तरीके से NGOs के पास पहुँच सकता है कि नहीं, इसकी चर्चा आज हम काफ़ी डिटेल्स में करेंगे। और यही मैं आप बताना चाहती हूँ कि इसके बारे में आप ज़रूर से पढ़िए, और कुछ भी और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपने अपने न्यूज़ रूम को ज़रूर लिखिए।